हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रे बनाई है एलो की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलो। ये देखिए, हर प्लांट इतना ब्यूटीफुल है, हर प्लांट। और ये वीडियो के एंड तक रहिएगा, मैं इसके वीडियो बताऊंगी एक एक प्लांट कैसे मैंने लगाया, पॉटिंग मिक्स क्या है, इसकी वॉटरिंग कैसे करेंगे, पूरा देखेंगे आप। तो स्टे टिल द एंड, और अगर अच्छा लगेगा जरूर लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब। चलिए, बीच में इसके ये जो दिख रहा है, ये अगेव प्लांट है, और इसके चारों तरफ हम लोग लगाएंगे एलोज, और इसको बनाएंगे हम लोग एक ब्यूटीफुल ट्रे में, जो कि मेरे को गिफ्टेड है। तो दोनों चीजें गिफ्टेड है, प्लांट्स भी और पॉट भी। ये देखिए, बीच में अगेव और चारों तरफ इसके एलोज हैं, और इस पॉट में पॉट करें, शुरू करते हैं। ये वाला नहीं करूंगी क्योंकि ये वाला इट्स टू बिग फॉर दिस पॉट। तो खाली ये सारे करेंगे हम लोग जो कि अभी पॉटेड नहीं है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ड्रेन होल मैंने इसमें बनाए हैं, थोड़े बड़े बड़े, और इंस्टेड ऑफ वन आई मेड टू, ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे। और ये मैंने इसमें एक होजरी का कपड़ा लगाया है क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई डेंट वॉन्ट टू रेज द लेवल, तो इसलिए मैंने ये लगाया। इससे भी बहुत अच्छा ड्रेनेज होता है, और खूब अच्छा पॉटिंग सॉइल बनाया है। और एलोवेरा में वैसे इतना ज़्यादा पॉटिंग सॉइल, मेन चीज़ देखनी है कि इट शुड बी वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए इसकी पॉटिंग सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट मेरे घर का कंपोस्ट है, एक पार्ट मैंने सैंड लिया है, सिंपल सैंड जो सोलराइज थी सन में रख के, और एक पार्ट मैंने कोकोपीट लिया है। उसके अलावा मैंने ये जो व्हाइट दिख रहा है, ये परलाइट है लाइट करने के लिए, और नीम खली और थोड़ा सा बोन मील, बस और कुछ भी नहीं लिया है इसमें। और अगर आपके पास ये भी कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी प्लांट कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट्स काफी फॉरगिविंग है। ये देखिए, ये रूट्स है इसमें, इसको मैं सोच रही हूँ ट्रे के सेंटर में लगाऊं, क्योंकि इसका कलर देखिए, इनमें से मैं चूज कर रही हूँ क्या लगाऊं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेंटर। तो पहले हम लोग सेंटर फिक्स कर लेते हैं, जब सेंटर फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग बाकी जगह अपना एडजस्टमेंट करेंगे। ये सेंटर हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट शुड वी चूज। ये मेरे पास सिमिलर लुकिंग दो हैं, तो आई थिंक दोनों यहां यहां करते हैं। एक इसमें भी रूट्स हैं, इसको भी यहां लगा देती हूं। ये इसको रूट को थोड़ा सा फिक्स कर देंगे। अब थोड़ी सी मैं पॉटिंग सॉइल रखती हूं, शायद जरूरत पड़े। अब बहुत सारे छोटे छोटे हैं, एक देखिए, एक ये यहां लगा देती हूं। ये यहां लगा देती हूं, इसको फिक्स कर दिया। अब सिमिलर लुकिंग देखिए, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, एक एक प्लांट इतना ब्यूटीफुल है। इसको यहां की तरफ लगा देती हूं। ये ऐसे लग गया। अब ये ईच प्लांट इज डिफरेंट, सारे अलग अलग है। मेरे को लगता है ये एलो और ये थोड़े सिमिलर है। इसको यहां लगा देती हूं,
उसकी केयर भी बहुत सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होती है। ये इसको मैं अलग एक पॉट में लगाऊंगी। दिस आई फाउंड इट टू बी वेरी ब्यूटिफुल और इसमें कुछ स्पेस भी कम लग रही है मेरे को। वैसे तो ईच प्लांट इज वेरी ब्यूटिफुल। ये भी मैं अलग में लगा सकती हूँ और ये छोटे छोटे एलोस को यहाँ लगा देती हूँ। ये यहाँ लगा देती हूँ। बस ये देखिए, ये मेरा पूरा बन गया है ट्रे। अब मैं वाटरिंग कर रही हूँ इसको। इसमें मैंने फंगीसाइड डाला है, सिस्टमिक फंगीसाइड बेवस्टीन, और वाटरिंग इसकी कर दी। अब ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ट्रे लग रही है। मैं सब कुछ हटा के आपको दिखाती हूँ एक बार। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा ट्रे एलो की। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।